A very good morning to all of you. Myself Vivek Ahmed, and we are going to discuss Indian Economy, Class 12, Commerce, Lesson 1. And today's topic is the characteristics of agriculture sector on the eve of independence. बेटा इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस एक सिंपल वर्ड है जिसे आप ऑटोमेटिकली इससे नोन है, आप जानते हैं. तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने डिस्कस किया, इंडियन इकोनॉमी का जो स्टैग्नेशन है, बैकवर्डनेस है, उसका वो क्यों हुई उसको डिस्कस किया, एग्रीकल्चर की वजह से हुई उस टाइम पर. तो ऑन द ईव ऑफ मतलब यह है कि जब इंडिपेंडेंस का टाइम था. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है और हमारे यहाँ की 2/3 पॉपुलेशन की इनकम जो है वो इन एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, इसलिए यहाँ पर इसको डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और उन्होंने कहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिवील्ड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब क्या था कि उस टाइम जब हमारा कंट्री फ्री हुआ, उस टाइम हम अपने कंट्री की ग्रोथ परसेंटेज को देख रहे थे कि हमारा कंट्री आजाद होने से पहले अंडर द ब्रिटिश रूल जो है वो क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर से स्ट्रांग था, दूसरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से स्ट्रांग था, और तीसरा कि हमारे जो इंडियन सिटीजन्स थे वो जो एज ए लेबर वर्क किया करते थे वो रॉ मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया करते थे, और रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी फिनिश गुड्स में बदलने के लिए. जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फिनिश गुड्स में वो कंडीशन नहीं बदली जाएगी. इसलिए कहा गया है कि उस टाइम जब इंडियन एग्रीकल्चर को सर्च किया गया तो हमने अपने यहां पर क्या चीज पाई, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी. कि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी पाई, वो किस लिए था कि प्रोडक्शन रेफर्स. अब यहां पर दो वर्ड यूज हुए हैं बेटे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी. पहले तो आप ये दोनों चीजें लो हैं, लेकिन पहले आप ये समझिए कि प्रोडक्शन किसे कहते हैं और प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं. प्रोडक्शन मींस और इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट, जो हमारे क्रॉप का होने वाला टोटल प्रोडक्शन है, टोटल आउटपुट है, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं. यानी कि उस लैंड के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की गई हैं, वो जितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुई हैं, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं. जितनी क्वांटिटी में हमने उसको फर्टाइल किया है उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं. और दूसरी चीज है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. अब यहां पर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है बहुत सारी लैंड है, कई हेक्टेयर लैंड है, मान लीजिए 5 हेक्टेयर लैंड है, और 5 हेक्टेयर लैंड के अंदर जो है वो हमारे 10 क्विंटल जो है वो वीट निकलता है. तो यानी कि 5 हेक्टेयर लैंड है और 10 क्विंटल वीट निकलता है, तो 1 हेक्टेयर में कितना क्विंटल वीट निकला, 2 क्विंटल वीट निकला. तो यहां पर उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी. इट मींस प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और टोटल लैंड के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं. अब ये चीज प्रोडक्शन भी और प्रोडक्टिविटी भी, ये दोनों लो क्यों हुई, कब, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर को देखा गया तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन भी लो हुआ और उसकी प्रोडक्टिविटी भी लो हुई. यानी कि टोटल प्रोडक्शन जितना है वो भी लो है, और पर हेक्टेयर 1 हेक्टेयर के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है जिसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं वो भी लो थी. उसका कॉज है, उसका कॉज के लिए ये कहा गया कि बोथ वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो. क्या मतलब
कि दोनों चीजों को जब देखा गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जब प्रोडक्शन को भी देखा गया और प्रोडक्टिविटी को देखा गया, तो दोनों क्या चीज आई कि लो आई ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर। और दोनों चीजें जो हैं वो लो आने का जो एम है वो क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ मींस ऑफ इंसेंटिव ऑन पार्ट ऑफ कल्टिवेटर्स। दोनों का क्या पोर्शन है कि ये कहा गया कि दोनों की जो पोर्शन है वो ये कहा गया है कि दोनों का पार्ट इंसेंटिव जो है वो कम है। अब इंसेंटिव कम है, कल्टीवेटर्स जो नहीं कि जो पर्सन कल्टीवेशन करते हैं, क्या ये फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको सेल कराते हैं, उनका दोनों का इंसेंटिव जो है यानी कि जो पैसा है वो कम है, इसलिए जो मेहनत है उनकी वो उस टाइप से नहीं पूरी हो पाती, उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाता और प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, इसलिए इन दोनों प्रोडक्शन को भी और प्रोडक्टिविटी को भी लो कहा गया है। सिर्फ इसलिए कहा गया है कि वहां पर इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो पीजेंट्स हैं, कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर मीन्स पीजेंट्स यानी कि जो उनको प्रोड्यूस करा रहे हैं, उनके द्वारा होने वाली उनके अंदर कमी होना और उनके इंसेंटिव के अंदर कमी होना, उनका जो टाइम स्पेंड मिलता है उसके अंदर कमी होना, ये एक कारण बना किसका, लो प्रोडक्शन का और लो प्रोडक्टिविटी का। तो आपके सामने हमने ये चीजें डिस्कस की कि एग्रीकल्चर का पहला पोर्शन जो हमने डिस्कस किया है वो लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन किया है। इसे आप कल पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछेंगे, कल फिर हम इसका सेकंड और थर्ड जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्कस करेंगे।